श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हम सबको पता है कि 4 मार्च को सोमवार की अष्टमी का बहुत ही विशेष दिन है। ये दिन विशेष इसलिए होता है क्योंकि इस दिन भोले शंकर और माँ पार्वती के मिलन का दिन है। और इस दिन अगर आपने चंदन की 7 बिंदी से छोटा सा उपाय कर लिया ना, तो आप जो कुछ भी मांग लोगे ना, वो सब कुछ आपको मिलेगा। जो कि पूज्य गुरु जी की कथा से सुन के बहुत अच्छे से आपको समझाऊंगा कि वो 7 बिंदियाँ हमें कब लगानी है और कहाँ कहाँ पर लगानी है, सारी चीज़ें यहीं पर फोकस देने वाली है। ठीक है, तो वीडियो को पूरा देखिएगा। यहाँ पे स्क्रीन पे आपके सामने दिख रहा होगा पीला चंदन, तो हमें इस उपाय के लिए लाल चंदन की आवश्यकता नहीं है, आपको पीला चंदन ही लेना है। ठीक है, पीला चंदन लेंगे, इसका बहुत ही गाढ़ा सा पेस्ट बनाओगे। लाइट पेस्ट नहीं बनाना है, बहुत ही ज़्यादा गाढ़ा सा पेस्ट बनाओगे। पेस्ट बनाने के बाद में एक तांबे का लोटा लेंगे, उसमें जल भरेंगे। इस जल के अंदर आपको कुछ भी नहीं डालना है ना, जल को अलग से रखेंगे, पीले चंदन को अलग से रखेंगे और पहुँच जाएंगे महादेव के शिवलिंग के पास में। हम सबको पता है कि महादेव का जो पूरा परिवार है शिवलिंग के ऊपर ही विराजमान है, पता है आप सबको। तो जो मैंने आपको पीला चंदन का लेपन दिखाया है, उसे शिवलिंग पे 6 जगहों पे लगाना है और एक जो बचा हुआ वो कहीं और लगाना है। समझो पहले क्रम नियम की, कहां कहां पे पहले लगाना है, कहां पे बाद में। समझो, सबसे पहले आपको उस पीले चंदन की एक बिंदी कुंद केशवर महादेव के नाम से महादेव के शिवलिंग के ऊपर ही लगा देनी है। पहली बिंदी हो गई। जो दूसरी बिंदी होगी वो आपको लगानी होगी यहाँ पे भगवान गणेश के स्थान पे, जो कि शिवलिंग के राइट साइड होता है। 2 हो गई। तीसरी बिंदी आपको लगानी है भगवान कार्तिकेय के स्थान पे, जो कि शिवलिंग के राइट साइड होती है, लेफ्ट साइड होती है। 3 हो गई। जो चौथी बिंदी लगाओगे माता के हस्त कमल पर, जो हम लोग बोलते हैं कटी भाग माता का, वहाँ पे लगाएंगे चौथी बिंदी। जो पांचवी बिंदी लगेगी वो आपको लगानी होगी माता अशोक सुंदरी के स्थान पे, आपको पांचवी बिंदी लगानी है। जो छठवीं बिंदी आपको लगानी है, जो हम महादेव के शिवलिंग के पास जाते हैं जो मटका लटका हुआ होता है, उसी मटके के ऊपर आपको छठवीं बिंदी लगानी है। ठीक है, 6 बिंदियाँ हो गई, अभी एक बिंदी बची है। अब महादेव की पूजन अर्चना करने के बाद में आपके पास में जो एक लोटा जल है और जो चंदन बचा हुआ है, उसकी एक बिंदी नंदी बाबा के दोनों सींगों के बीचों बीच में आपको कुंद केशवर महादेव के नाम से लगाना है। और जो मैंने आपको एक लोटा जल दिखाया, उस एक लोटे जल को जो नंदी बाबा का उठा वाला पैर है, नंदेश्वर महादेव के नाम से आपको समर्पित करना है। अपनी जो भी इच्छा हो, जो भी कामना हो, नंदी बाबा से कह देना, आपकी वो सारे विशेष सारी इच्छाएँ बहुत जल्दी पूरी होंगी। ठीक है, सोमवार की अष्टमी का दिन हमेशा नहीं आता, साल में 2 ही 3 ऐसे मौके मिलते हैं जिस दिन हमें ये उपाय करने होते हैं। तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इस वीडियो को शेयर करिएगा ताकि सभी लोग अपने घरों में इस उपाय को कर पाएँ। ठीक है, चलो तो पहले उपाय की बात हो गई है, आगे बढ़ते हैं अब इस वीडियो में हम लोग अपने दूसरे उपाय की तरफ, जो कि आपको करना होगा घी से, है ना। कहोगे भैया इस उपाय के फ़ायदे क्या हैं, तो इस उपाय का फ़ायदा है लड़ाई, है ना। कि अगर आपके घर में क्लेश लड़ाई झगड़े बहुत ज़्यादा हो रहे हैं तो आपको इस उपाय को करना है। उसके लिए आपको लेना होगा इस तरीके से घी। अब घी में बहुत ज़्यादा नहीं, 1 चम्मच मात्र आपको घी लेनी है और वो घी गौ माता के दूध से बना हुआ हो। ठीक है, ले लिया। लेने के बाद में फिर से आपको एक तांबे का लोटा लेना है और ले करके पहुँच जाएंगे महादेव के शिवलिंग के पास में सोमवार की अष्टमी शाम के टाइम पे प्रदोष काल में। समझने की कोशिश करिएगा जो मैं बात बताने जा रहा हूँ। ठीक है, आपको सबसे पहला काम करना है एक लोटा जल महादेव के शिवलिंग के ऊपर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का ध्यान करके समर्पित करना। आपको मैंने घी दिखाया, बताया, अब उसी घी की आपको फिर से लगानी होगी 7 बिंदियाँ। ठीक है, जो घी है ना, उस घी की 7 बिंदियाँ कहाँ पे लगाओगे, ये जो जलाधारी वाला पोर्शन आपको इतना दिख रहा है ना, इतने ही दूर में आपको 7 बिंदियां लगानी है। समझो कहां कहां, स्टार्टिंग पूरा करोगे कटी भाग से, यहां से स्टार्ट करेंगे। 1 हो गई, 2 हो गया, 3 हो गया, 4, 5, 6 और ये 7। इस तरीके से 7 बिंदियां लगाओगे कुंद केशवर महादेव के नाम से। कौन से महादेव? कुंद केशवर महादेव के नाम से बिंदी लगाएंगे। महादेव से विनती करेंगे, प्रार्थना करेंगे, हमारे घर में इस तरीके से लड़ाइयाँ होती हैं, झगड़े होते हैं, क्लेश होते हैं, आप हमारे घर से ये समस्याओं को दूर करें। प्रार्थना कर लेना और प्रार्थना करने के बाद में ये जो यहाँ पे 7 बिंदियाँ आपने चढ़ाई हैं, लगाई हैं, इनको एक छोटी सी कटोरी में रोक लेना और रोकने के बाद लेके चले जाएंगे आप अपने घर पे। ठीक है, जो आपके घर के जितने भी दरवाजे होंगे उन सभी दरवाजों पे उसी की एक एक बिंदी
सिद्धियां माता अशोक सुंदरी का ध्यान करते हुए लगा देना। कभी भी आपके घर में लड़ाई झगड़े क्लेश होंगे नहीं। अगर आपके हस्बैंड गलत दिशा में चले गए हैं तो वो बिल्कुल शांत होंगे। अगर आपकी वाइफ गलत दिशा में चली गई हैं तो वो भी सही दिशा में आएंगी और आपकी रिस्पेक्ट भी करेंगी। ठीक है, करिएगा ज़रूर सभी लोग। तो यहाँ पर हम सभी लोगों ने दो उपाय की बात की जो कि आप सभी को सोमवार की अष्टमी पर करना चाहिए। आगे बढ़ते हैं अब इस वीडियो में हम लोग अपने तीसरे उपाय की तरफ। और तीसरा उपाय भी आपको सात बिंदी से ही करना है, लेकिन बेल पत्र के साथ। कैसे करेंगे सब कुछ बताऊंगा। एक छोटा सा काम कर दो, वीडियो को जल्दी से लाइक करें। जितने भी भाई बहन मेरी इस आवाज को पहली बार सुन रहे हैं, अचानक से चैनल पे आ गए, क्लिक कर दिया, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करेंगे, ठीक है ना। चलो समझते हैं। यहाँ पे आपके सामने दिख रहा होगा बेलपत्र, दिख रही है ना। तो आपको मात्र एक बेलपत्र लेनी है। कहोगे भैया बेलपत्र ले लें, इस उपाय के फायदे तो समझा दो। इस उपाय के फायदे होंगे इच्छा पूर्ति। अगर आपकी विश पूरी नहीं हो रही है, इच्छा पूरी नहीं हो रही है, तो आप इस उपाय को करेंगे, ठीक है। एक बेलपत्र लेना और उसी एक बेलपत्र पर आपको अब लगाना होगा चंदन, ठीक है। चंदन के लिए आपके पास में ऑप्शन है, चाहे तो आप पीला चंदन ले सकते हो या फिर आप लाल चंदन ले सकते हो, ठीक है। कोई सा भी चंदन लो, उसको एक गाढ़ा सा पेस्ट बना लेना। जिस भी चीज़ों से बना सकते हो, पानी से, शहद से, जैसे भी गाढ़ा सा पेस्ट बनाओगे, ठीक है। पेस्ट बनाने के बाद में इसी बेलपत्र के ऊपर आपको सात बिंदियाँ लगानी है, चाहे लाल चंदन या फिर पीले चंदन की। कैसे कैसे लगाओगे देखो, जो आपको एक यहाँ पर लगाओ, दूसरी यहाँ पर लगाओ, तीसरी यहाँ पे लगाओ, चार यहाँ पे हो गया, चार हो गया। पांचवी बिंदी आपको सबसे छोटी पत्ती पे लगानी है, छठवीं बिंदी आपको फिर छोटी पत्ती पे लगानी है, और जो सातवीं बिंदी होगी जहाँ पे तीनों पत्तियों का मिलन हो रहा है, उस डंडी पे आपको लगानी होगी सातवीं बिंदी। कुछ इस तरीके से लेनी होगी आपको बेलपत्र और ऐसे लगाना होगा बिंदी। बात आ रही का समझ में मेरी। फिर इस बेलपत्र को उठाएंगे और उठाने के बाद में एक तांबे का लोटा लेंगे, उसमें जल भरेंगे, पहुंच जाएंगे महादेव के शिवलिंग के पास। फेस रखना होगा उत्तर दिशा, नॉर्थ डायरेक्शन। सबसे पहला काम, एक लोटा जल महादेव के शिवलिंग के ऊपर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का ध्यान करके समर्पित करेंगे। अब आपके पास में एक बेलपत्र है, अब उसी बेलपत्र को सबसे पहले रखेंगे माता अशोक सुंदरी के स्थान पे, जैसे मैंने रख दिया है इसी तरीके से। अब फिर आप इसी बेलपत्र को फिर से उठाएंगे और अब इसको उठा करके भोले शंकर के शिवलिंग के ठीक ऊपर रख देंगे, अपनी मनोकामना अपनी विशेष को कहते हुए। पहले माता अशोक सुंदरी के स्थान पर, फिर उसी बेलपत्र को उठा करके महादेव के शिवलिंग के ऊपर रख देंगे, आपको अपनी कामना अपनी विशेष को कहते हुए। जिस इच्छा पूर्ति के लिए आप इस उपाय को कर रहे हो, वो विश आपकी बहुत जल्दी पूरी होती हुई नजर जरूर आएगी, ठीक है, करेंगे जरूर। आगे बढ़ते हैं अब इस वीडियो में हम लोग सबसे आखिरी अपने चौथे उपाय की तरफ, जो कि आपको करना होगा समी के पत्तों से, ठीक है। आज के टाइम पे समी के पत्ते भी बहुत इजीली, बहुत आसानी से आपको मिल जा रहे हैं। तो आपको लेने होंगे सात समी के पत्ते। कितने लोगे? सात समी के पत्ते लेंगे। समी के पत्तों के साथ साथ आपको लेना होगा अनाज का दाना। कितने दाने? सात अनाज के दाने लेंगे। अब वो चाहे आप बाजरा ले लो, गेहूं ले लो, मक्का ले लो, जो कुछ भी आपको मिल जाए अनाज में, सात समी के पत्ते और सात अनाज के दाने, है ना। यह उपाय आपकी फैमिली के लिए है, परिवार के लिए है, इस चीज़ का ध्यान रखेंगे। इन दोनों चीज़ों को लेंगे, एक तांबे का लोटा लेंगे, उसमें जल भरेंगे, ठीक है। जल को भरने के बाद में पहुंच जाएंगे महादेव के शिवलिंग के पास में। जो आपके पास में सात समी के पत्ते हैं ना, सबसे पहले उसे एक एक करके महादेव के शिवलिंग के ऊपर चंपेश्वर महादेव, फिर से बोल रहा हूँ, चंपेश्वर महादेव के नाम से आपको एक एक समी का पत्ता महादेव के शिवलिंग के ऊपर रखते जाना है, समर्पित करते जाना है, ठीक है। सात समी के पत्ते समर्पित कर दिए। अब जिस जगह पे समी के पत्ते समर्पित किए हैं, उसी जगह पे आपको एक लोटा जल श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का ध्यान करके समर्पित करना। जल समर्पित करने के बाद में आपके परिवार के जो कष्ट होंगे, जो उनकी प्रॉब्लम है, उन्हीं कष्टों का ध्यान करते हुए जो सात अनाज के दाने आपके पास में हैं, वह समर्पित कर देंगे महादेव के शिवलिंग के ऊपर। करके देखिएगा, आपकी फैमिली में जिस भी प्रकार से जैसे भी कष्ट होंगे, वो सारे कष्ट खत्म ज़रूर होंगे, ठीक है। कोशिश की मैंने आप सभी लोगों को बहुत ही प्यार से अच्छा समझाया है। अगर फ़ोन पे बातें करनी है तो नीचे ज्वाइन का बटन दिख रहा होगा, उस पर क्लिक करके आप हमसे बहुत सारी बातें कर सकते हैं। या फिर मैसेज पे बातें करनी है तो इंस्टाग्राम फेसबुक पे फॉलो करें, सर्च करिएगा द नेचुरल प्लैनेट 108, वहाँ पे हम लोग बहुत सारी बातें करेंगे। और हाँ, जितने भाई बहन मेरी आवाज़ पहली बार सुन रहे हैं, चैनल सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक सभी को करना है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।